दोस्तों, हम सभी को पता है कि सनातन धर्म के केंद्र में चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में एक क्रम है और ये क्रम इतना सुव्यवस्थित कैसे है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, प्रथम वेद ऋग्वेद पदार्थ के गुणों, कर्मों और स्वभावों के विषय को वर्णित करता है, इसीलिए इसे ज्ञान कांड भी कहते हैं। अर्थात विशिष्ट ज्ञान की दिशा में हमें सर्वप्रथम प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन करना चाहिए। फिर आता है यजुर्वेद। अब पदार्थों और उनकी प्रकृति के अध्ययन के पश्चात उसे कार्य रूप में परिवर्तित करना होता है, मतलब अब प्रैक्टिकल करना है, इसलिए यजुर्वेद में कर्मकांड प्रधान विषय है। अब ऋग्वेद के ज्ञान योग और यजुर्वेद के कर्म योग से ईश्वर की रचना का बोध हो जाता है, जिससे भक्ति भाव उत्पन्न होता है। इसलिए आगे आने वाले सामवेद के मंत्र संगीत प्रधान है और उनका विषय भक्ति उपासना है, और इसी वजह से श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में स्वयं बोला है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की विद्या से एक विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिसे विज्ञान कहते हैं। इसीलिए अथर्ववेद जो कि अंतिम वेद है, उसका विषय विज्ञान है। दोस्तों, आशा करता हूँ